तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा देख सकते हैं सैमसंग J6 है और इसका पैटर्न लॉक हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं इसका पैटर्न अनलॉक करके दिखाऊंगा, तो सेम स्टेप को आपको फॉलो करते रहना। जैसे मैं वीडियो में पीछे कर रहा हूँ, जो वीडियो पीछे चल रही है, सेम स्टेप को आपको फॉलो करते रहना। तो देखिए, यहाँ मैं कई सारे पैटर्न ड्रॉ करके एक बार ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन फ़ोन अनलॉक हो नहीं पा रहा है। तो जैसा देख सकते हैं सैमसंग J6 है और इसका पैटर्न अनलॉक काफ़ी इजीली मैं बाईपास करके दिखाऊंगा और अनलॉक हो जाएगा काफ़ी इजीली। आप इस मेथड का यूज़ करके किसी भी सैमसंग फ़ोन का पैटर्न अनलॉक कर सकते हैं। तो मैं पहले अभी देखिए फाइंड माई डिवाइस ऐप को दूसरे फ़ोन में इंस्टॉल किया हूँ। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस फ़ोन का ईमेल आईडी यदि आपको पता है, जो फ़ोन आपका लॉक है, तो आप इस ईमेल आईडी को अपने इस फ़ोन में लॉगिन करेंगे और उसका पासवर्ड डालेंगे, तो आपको उस फ़ोन का जो है मॉडल नंबर शो हो जाएगा और उस फ़ोन का लोकेशन भी पता चल जाएगा। और साथ में इस तरह से आप किसी भी फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं, यदि आपका फ़ोन खो भी गया है तो भी। और इससे आप अपने फ़ोन में रिंग बजा सकते हैं। यदि मान लीजिए आप अपने रूम में भी कहीं फ़ोन इधर उधर रख देते हैं, नहीं मिल रहा है, यदि आपका फ़ोन साइलेंट है, तो इस उससे आप अपने फ़ोन में रिंग कर सकते हैं और घंटी बजा सकते हैं। और साथ में अपने फ़ोन को यदि खो गया है तो इसे लॉक करके आप यहाँ पर छोटा सा मैसेज दे सकते हैं। और साथ में इस तरह से आप अपने फ़ोन का डाटा भी इरेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इस मेथड का यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया फाइंड माई डिवाइस से आप अपने फ़ोन को इरेज कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन भेजता हूँ, तो अभी नहीं करूँगा मैं। आपको एक मेथड और है जो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, तो ये काफ़ी दिनों से मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, हार्ड रीसेट वाला मेथड, वॉल्यूम अप और पावर की का हेल्प से आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस फ़ोन को सारे बटन को प्रेस करके ऑफ़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर पावर बटन वर्क नहीं करता, क्योंकि आपको पावर बटन से ऑफ़ करने के लिए पैटर्न ड्रॉ करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसे पूरे बटन को प्रेस करके रखेंगे और साथ में एक साथ दबा के रखेंगे। तो वीडियो में काफ़ी अच्छी जो मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी मैं अपने गांव आया हूँ, क्योंकि गांव में जो है मेरी फैमिली में कोई एक्सपायर कर गया था, इस वजह से अभी मैंने मुंडन भी करा लिया है और हेड लगाया है, और फिर उसके बाद अभी कोलकाता आ जाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा रिकवरी मोड आ चुका है। वॉल्यूम अप पावर की को एक साथ प्रेस करने के बाद आपका रिकवरी मोड ऑन हो जाता है। तो जो लोग मेरे चैनल में नए आते हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए मोबाइल अनलॉकिंग कॉन्टेंट विदाउट PC लाते रहता हूँ। ज़्यादा तक की हो सकता है कि मैं विदाउट PC देता हूँ, और नहीं तो जो नहीं हो पाते मैं अपने PC के थ्रू अपने शॉप में बैठ के करता हूँ, तो वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है अनलॉक। तो इस फ़ोन को मैं यहाँ से रीसेट कर रहा हूँ, हार्ड रीसेट या फैक्ट्री रीसेट वाले ऑप्शन पे आपको आ जाना है, यस कर देना है, आपका फ़ोन फाइनली हार्ड रीसेट हो चुका है। और इसे अब रिबूट कर देना है। तो हमारे यहाँ से रिबूट हो गया है फ़ोन, अभी रीस्टार्ट होगा और थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी मैं बिना स्टैंड के अपने हाथ में फ़ोन को लेके ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, जो अभी मैं बैठा हूँ। और ये फ़ोन वाली वीडियो तो कई दिन पहले ही कोलकाता में ही बन चुकी थी, तो एक कस्टमर का काफ़ी दिन पहले मैंने फ़ोन अनलॉक किया था, और साथ में मैं इसे अनलॉक करके उसके बाद वीडियो बना लिया था, और अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इस वजह से मैंने इस वीडियो को अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो फाइनली मेरा फ़ोन अनलॉक हो चुका है, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आपका फ़ोन में जो है, यदि आपका फ़ोन में ईमेल आईडी भी लॉक आ रहा है, तो इस पर मैंने ये जो है FRP लॉक जिसे बोलते हैं, जिसे गूगल अकाउंट वेरीफिकेशन बोलते हैं, तो उस तरह का यदि आपका फ़ोन में लॉक आ रहा है तो उसे भी आप बाईपास कर सकते हैं। उससे बाईपास करने के लिए मैंने इसी चैनल पर कई वीडियो बनाई हैं, तो आप कर सकते हैं। यदि FRP बाईपास करते समय यदि आपको यूट्यूब का भी प्रॉब्लम अपडेट का आ रहा है, यूट्यूब वाला ऑप्शन आपका नहीं खुल रहा है, तो उसमें भी मैंने वीडियो बनाई है कंप्लीट, तो जाके वीडियो को देख सकते हैं इसी चैनल पे, टेक्निकल दीपक 2020 पे। तो जाइए फटाफट उस वीडियो को भी देख के अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फ़ोन जो है अब हो चुका है, प्रॉपर बूटिंग हो चुका है। अब देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वीडियो को मैंने ज़्यादा छोटा और कट करने की कोशिश नहीं की, मैंने स्टेप बाई स्टेप आपको समझाने की कोशिश किया, और ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पे हमारा जो कि कुछ ऐप्स होते हैं इस फ़ोन में, तो इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। एक हाथ में फ़ोन लिए लिए पूरा हाथ दर्द करने लगता है फ्रेंड। और यहाँ पे हमारा फ़ोन स्टार्ट हो चुका है, और इसे हम जो है अब यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करेंगे, और यहाँ से वाईफाई भी नहीं कनेक्ट करेंगे तो भी हमारा आगे बढ़ जाएगा, लेकिन मैं कनेक्ट कर देता हूँ। और इसमें गूगल अकाउंट लॉक आया है, तो इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है इसी चैनल पे, तो जाके देख सकते हैं। यदि आपका गूगल अकाउंट आपको पता है तो आप डाल देंगे तो काफ़ी इजीली आपका खुल जाएगा, नहीं पता है बहुत लोग भूल जाते हैं, तो मैंने उस पर
अपना जो है पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया है, तो जाइए देख सकते हैं। सैमसंग J6 का ही मॉडल पे मैंने बताया, और अभी कुछ दिन पहले मैंने S9 प्लस का भी पैटर्न तोड़ा था, अनलॉक किया था। तो बहुत सारे मैं वीडियो लाते रहता हूँ अपने इसी चैनल टेक्निकल दीपक 2020 पे। देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, तो जो ईमेल आईडी इसमें ऑलरेडी था वही इसमें डालना पड़ेगा। आप नया भी डालेंगे तो भी नहीं लेगा, यदि आप फॉरगेट पासवर्ड भी करके डालेंगे तो भी नहीं लेगा, क्योंकि इसमें जो ऐड था इसके जो मेमोरी में वही डालना पड़ेगा। तो मैंने इस पर बाईपास वीडियो बनाई है ऑलरेडी, तो जाके देख के अपना फोन अनलॉक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट किसी और वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।